फाइव बाइक्स, फाइव हंड्रेड। अभी कुछ ही देर में तमिलनाडु एंड केरला का बॉर्डर आएगा 17 किलोमीटर बाद। वेलकम टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री। Coimbatore. Right now I am here in Coimbatore and this is the day 2 of our Munnar vlog. Yesterday क्या हुआ था, Isha Foundation के उधर से हम लोग जब return कर रहे थे, at that time हमने वो dinner complete करके आके around 10 के आसपास ही हम लोग पूरा सो गए थे। तो अभी it's 5:26 in the morning and this is Shubham और हम लोग थोड़ी देर पहले उठ के नहा धो के अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैंने राइडिंग पैन पहन लिया है और जैकेट पहनना बाकी है। सो दैट्स अवर बाइक जो शाग्नी उधर है। हाय शाग्नी, हेलो, गुड मॉर्निंग। उधर अभिजीत का बाइक खड़ा है, ये शाग्नी का चेंज यू करना बाकी है। अभी अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके वो वीडियो देखिए। उधर हमने कवर किया था फ्रॉम बेंगलोर टू कोयम्बटूर तक। अर्ली मॉर्निंग बेंगलोर से अराउंड 5 के आसपास निकल गए थे और फिर पहुँचते कोयम्बटूर ऑलमोस्ट 4 या 5 बज चुका था। एंड इन बिटवीन हमने ब्रेकफास्ट किया और मस्ती मजाक करते करते अच्छे से राइड को एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए थे कोयम्बटूर। उसके बाद ईशा फाउंडेशन की तरफ गए थे बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख नहीं पाए थे। So this was our room. This is one bed, that one another bed. हम लोग इतने चार जन रुके थे और छागनिक एंड ओब्रो एंड स्पोर्टी वाज स्टेइंग इन अनदर रूम। वैसे इधर एक मिरर है एंड ये है वॉशरूम। लाइट ऑफ कर देता हूँ। या दैट्स इट गाइस, अभी इसमें पानी भरना है मुझे। नीचे एक वाटर प्यूरिफायर है, फिर हेलमेट्स वगैरह सब ले लिया है, सेलिब्रेट को माउंट कर दिया एंड ये टॉप बॉक्स को बस उधर लगाना है। एंड आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं मुन्नार की तरफ एंड इट्स अराउंड 150 टू 180 किलोमीटर्स का राइड होने वाला है फ्रॉम कोयम्बटूर। सो या दैट्स इट, अभी ये जैकेट पहन के मैं आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। क्या कर रहे हो सप्तर्षि भाई? हर एक कोई लगा है अपना बैग माउंट। हर सुबह का काम, हर सुबह का काम मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। बस टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करना है इधर। एंड ये रहा अबुलो का बाइक जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया है। एंड दैट शाग्नी हर सुबह का काम करते हुए। हो गया सुबह का काम, हो गया होता है सुबह का काम थकना, वो नॉर्मल पीपल के लिए, राइडर्स के लिए होता है बैग माउंट करना। हो गया ना? अच्छा सर। कल कितना किलोमीटर हमने चलाया था? 382.5 किलोमीटर। अभी आज 196 किलोमीटर, देन ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर हो जाएगा। या एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 11:08, मतलब 12 से 12:30 तो हो ही जाएगा पहुँचते। ये हम जिस डायरेक्शन पे है ना, गूगल मैप्स में उल्टे तरफ दिखा रहा है, मतलब द डायरेक्शन, बट हमें ऐसे ही जाना है। वो शाग्नी के नोब्रो पीछे की तरफ मुड़ लिया बट एक्चुअली हमको इधर सीधा ही जाना है। तो चलो जी, चलो चलो चलो, जय श्री कृष्णा। आज का सफ़र अच्छा ही हो सबका। एक चीज़ मैंने नोटिस किया अभी फॉर लास्ट एक दिन से, अगर आप कंटिन्यूस ब्लॉग करोगे ना तो आपको बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, बट सडनली अगर आप छोड़ देते हो तो थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बट मोटो ब्लॉग हमेशा मैं कर पाता हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, कैमरा खोल के क्या बोलना है क्या नहीं। लास्ट मैंने किया था किधर, वो मेघालय के ट्रिप पे जो मम्मी पापा के साथ गया था उस टाइम, उसके बाद से एक बार भी कैमरा उठा के बात नहीं किया। देखो अपने को तो ये मोटो व्लॉग ही जमता है, वो सब उतना ठीक ठाक कर लेता हूँ, बट मेन इधर ही है।
एनीवेज आज का प्लान क्या है मैं बता देता हूँ। अभी इधर से 195 किलोमीटर इज शोइंग फॉर मुन्नर। मुन्नर जाने में हमको 12:30 हो जाएगा। फिर होस्टेलर जो बुक किया है, मुन्नर होस्टेलर, उस पर चेक इन करके दो डेस्टिनेशन है जो हमारा आज का आइटिनरी में है। वन इज टॉप स्टेशन, द फेमस टॉप स्टेशन, एंड अनदर वन इज सम डैम इज देयर, आई फॉरगॉट द नेम, स्टार्ट होता है एम से। उधर जाएंगे, अगर टाइम रहता है तो वो बोटिंग करेंगे, नहीं तो आई विल स्किप दैट वन। दैट्स इट फॉर द प्लान। आज का जो राइड है टूवर्ड्स मुन्नर, इट विल बी द एपिक वन। आई थिंक मैं ये अपना लाइफ टाइम में याद रखूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मुन्नर वॉज माई सो लॉन्ग प्लान ट्रिप, फाइनली जाके सक्सेस होने वाला है आज। वीडियोस में देखता था, वीडियोस एंड रील्स पे, मुन्नर का गैप रोड फिर वगैरह वगैरह, कितना अच्छा अच्छा रोड्स है। एंड आज फाइनली अपने नेकेड आई से देखने वाला हूँ। हर एक कोई ना ठंड के लिए, जैसे पीछे शॉप तो शी अंदर ही विंटर लाइनर या क्या था वो पहन लिया, ये अपूर्व ने ऊपर से रेनकोट पहन लिया है। एंड मैं एक्चुअली कुछ नहीं पहना हूँ, बट इजी एक्सेसिबल है, ऐसा पोजीशन में रखा है मैंने अपना ये विंटर लाइनर, अगर ज़्यादा ठंड लगेगा तो वो निकाल के पहन लूँगा, बस 5 मिनट का काम है। चलो अभी ये रात का टाइम है, कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, मैं अपना रोड एंजॉय करता हूँ, आप लोग ये वीडियो एंजॉय करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। किलोमीटर कवर कर दिया है फ्रॉम द होटल, एंड खुशखबरी ये कि 66 किलोमीटर के बाद से हमको वेस्टर्न घाट का रोड मिलने वाला है, मतलब केरला हम लोग एंटर कर जाएंगे। एंड बिफोर दैट 66 किलोमीटर स्ट्रेट हाईवे है। वेदर इज नाइस, उतना ठंड भी नहीं है, उतना गर्मी भी नहीं है, अच्छा लग रहा है, मतलब ये जैकेट के साथ। एज सुन एज पॉसिबल हमको तमिलनाडु क्रॉस करना है, नहीं तो गर्मी में फिर से हालत ख़राब हो जाएगा एंड एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, फिर वही सेम कहानी दौड़ता रहेगा, नींद आएगा। एंड मज़े की बात है कि मैं लीड कर रहा हूँ, बाकी सब पीछे, फिर भी मैं 90 में क्रूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 80 इज़ क्वाइट फाइन फॉर मी, बट 90 इज़ लिटिल बिट ऑन हायर साइड। And another thing is maybe in 1 hour we'll stop for the breakfast. What is written over here? Pollachi seedha hai, Chettipallayam left. डॉग को देखो, क्यूट भी लग रहा है, इतना खा के एकदम पूरा गेंडा हो चुका है, गेंडा। हम लोग बाइक पार्क उधर किए थे, अभी इधर से ऐसे ला के इधर कर रहे हैं, क्योंकि इधर से एक्चुअल में गेट है। और या इसको ले लेता हूँ, चाय पियेंगे हम, तो चाय पियेंगे, एंड चाय के साथ और क्या पी सकते हैं, समोसा खाएंगे, बस दैट्स इट। अरे हेलो हेलो यार, बैग का क्या है, कुछ देर राइड करने के बाद बैग थोड़ा झूल जाता है। हाँ देखो, पहले क्या होता था, एकदम ऊपर ऐसे रहता है, अभी ये पूरा एक साइड मतलब नीचे की तरफ जाता है। इसका भी देखो सेम है, सेम वही बोल रहा हूँ, मतलब कुछ देर रखने के बाद वो ऐसे झूल जाता है, पहले अच्छे से रहता है। मे बी यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, छोड़ो। ऑल राइट, सो ब्रेकफास्ट इज डन, समोसा एंड चाय खाने की जगह पे मैंने खा लिया क्या, ये पूरी खा लिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेफ्ट लेना है ना इधर से। हाँ ये विंडमिल दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, वाव इतना बड़ा होता है, मैंने कभी नज़दीक से नहीं देखा विंडमिल को, एकदम इतने नज़दीक से।
अरे पूरा वाव। ये एक दो तीन चार पांच है, बहुत सारा है इधर। पूरा विंडमिल का फैक्ट्री खोल के रखा है इधर, बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड दिस रोड और भी अच्छा लग रहा है इस रोड की वजह से, एकदम प्रॉपर हाईवे जो होता है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक टोल बनने वाला है। मुझे वो याद आ गया, गोकर्ण जाते टाइम एक जगह आता है चित्रदुर्गा नाम से, कर्नाटका के अंदर ही है, वो भी ऐसा ही है। बट उधर विंडमिल जो है ना वो थोड़ा रोड से दूर दिखता था, इधर तो एकदम नज़दीक है। मैंने इतने नज़दीक से कभी विंडमिल को नहीं देखा। इट्स लुकिंग सो नाइस। इधर रुक के फोटो लेना तो बनता है। बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींचे हम लोग इधर, इंस्टाग्राम के लिए भी मैंने एक ले लिया है इधर से, और मैं पीछे खड़ा हुआ था। या मस्त जगह है यार, मस्त जगह है। उधर देखो कितने सारे, एंड हवा जो आ रहा है उस साइड से आ रहा है इसलिए ये घूम रहा है। एक एक विंडमिल का ना मतलब स्टैंडिंग पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि ये उस तरफ है, ये ऐसे है, ये वैसे है, डिफरेंट डिफरेंट। जिस साइड से हवा आता है उसी साइड के डायरेक्शन में जो भी है विंडमिल वो घूमने लगता है। चलो अभी निकलता हूँ। 118 किलोमीटर्स ओनली, उसके बाद से घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ ही देर में तमिलनाडु एंड केरला का बॉर्डर आएगा 17 किलोमीटर्स बाद। केरला एंटर करते ही वो घाट वाला सेक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट्स अ गुड पार्ट जो कि मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। सो वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर केरला, एंड ये देखो एक एक पहाड़। पता नहीं आपको इतना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, बट नेकेड आई से मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। वेलकम टू केरला, गॉड्स ओन कंट्री। क्लाउड इसके नीचे है, इतना ऊंचा दिख रहा है। गुजबम्स आ रहे हैं मुझे ये पहाड़ देख के। अभी देखो मैप में दिख रहा है थोड़ा ऐसा 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 कर्वी टाइप रोड्स, एंड केएल नंबर प्लेट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड इन टू केरला। ओके फ्रॉम हियर डू यू नीड टू टेक एनी पास और सम जैकेट खुल भी। सो आई थिंक वी नीड टू टेक पास फ्रॉम हियर। हाँ फाइव बाइक्स, फाइव हंड्रेड रुपीज, हंड्रेड नो 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 फाइव बाइक्स हंड्रेड रुपीज। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? अब वो बहुत अनकंफर्टेबल है ना। हाँ नीचे आता है बार बार। एक्चुअली पहले ये बोरो से। हाँ बोरो ही से था। ओके थोड़ा ये कौन से साइज का आता है, क्या ये साइज का आता है? द थिंग इज आप केरला में अगर कहीं से भी एंटर करोगे वो आपको एक फॉरेस्ट रिजर्व भी मिलेगा। इधर भी टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू लिखा है, दैट मीन्स फॉरेस्ट एरिया। टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू। गर्मी लग रहा है, पसीना पसीना हो गया। कोई ना। एंड दिस इज माई आई थिंक सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम ही है ना। हाँ सेकेंड टाइम है केरला में। फर्स्ट टाइम जो आया था वो था वैनाथ का, एंड ये सेकेंड टाइम है, एंड दोनों पर बाइक से आया हूँ। अच्छा इस टाइगर रिजर्व का नाम है अनामलाई, अनामलाई टाइगर रिजर्व सुना है। बट बंदीपुर जो है वो बहुत खूबसूरत है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उधर का रोड ही एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। तमिलनाडु जो है ना वो एकदम सी लेवल पे है, ठीक है,
तो अभी केरला हम लोग एंटर करने के बाद हमको एल्टीट्यूड गेन करना होगा एंड मुन्नार बहुत ही हाइट पे है एक्चुअली, तो अभी से हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा चढ़ाई चढ़ना। अरे बाप रे, क्या ही लग रहा है, क्या ही लग रहा है ये। इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। कहाँ से आ रहे हो? बेंगलोर। बेंगलोर अभी तो कोयम्बटूर से, कल कोयम्बटूर रुके थे। हैंड स्कूल है उधर का? हाँ, हैंड स्कूल लिकर? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं है, और भी है, हमारे तीन दोस्त है। तो द थिंग इज ये चेक पोस्ट है केरला एंटर करने का, लिक्विड वगैरह है कि नहीं वो चेक कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनको हमारे पास से नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, वेलकम टू केरला। या अरे इडे ना मेन केरला, कैन यू टेक पिक्चर फ्रॉम हियर? ओके थैंक यू। नहीं नहीं हम लोग उधर जाके ऐसे बाइक रोक रखेंगे।